दोस्तों, इस पूरी दुनिया में कई हजारों प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और ये क्यूट दिखने वाले पक्षी किसे पसंद नहीं है। हर किसी को पक्षियों से प्यार होता है। काफी लोग इन्हें अपने घरों में पालना भी पसंद करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत और इंसानों के साथ फ्रेंडली नेचर के जो होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है, उसी तरह से इन पक्षियों की पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। मोबाइल टावर से निकलने वाली हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से रोजाना कई पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। अगर जल्द ही इन पक्षियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्हें असलियत में देखना बस हमारे लिए एक सपने जैसा ही बनकर रह जाएगा। आज तक आपने नॉर्मल पक्षियों को तो देखा ही होगा, पर आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे रेयर और खूबसूरत पक्षियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने इससे पहले कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये पक्षी बहुत ज्यादा रेयर स्पेसिस से बिलोंग करते हैं। शोईबिल स्टॉर्क इसी दुनिया का सबसे यूनिक पक्षी माना जाता है। दुनिया भर के काफी लोग इसे डायनासोर के जमाने का एक जीवाज भी समझते हैं। इस पक्षी की चोंच काफी बड़ी होती है, जो कि हमें देखने से ही समझ में आता है कि यह असल में कितनी बड़ी है। ये पक्षी ज्यादातर नदियों के और झीलों के पास रहना ही पसंद करते हैं। ये पक्षी अफ्रीका और सूडान के जंगलों में ही पाए जाते हैं। मछलियों का शिकार करना इन पक्षियों को बहुत ज्यादा पसंद है और यही इनका मुख्य आहार भी है। ये पक्षी असल में तो डायनासोर युग के ही लगते है। काकापो बर्ड। काकापो नाम के इस पक्षी को आउल पैरोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रेयर पक्षी एक आउल और पैरोट के कॉम्बिनेशन जैसा ही दिखाई देता है। इसका शेप एक आउल जैसा और रंग बिल्कुल एक तोते के जैसा ही होता है। ये पक्षी बाकी पक्षियों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकते, ये जमीन पर फुदक फुदक कर चलते हैं, जिस वजह से ये काफी बार शिकारी जानवरों का शिकार भी बन जाते हैं, जिस वजह से धरती पर इन पक्षियों की काफी कम संख्या है। ये अनोखे पक्षी न्यूजीलैंड के घने जंगलों में ही पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड की सरकार इन रेयर पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स भी चला रही है। यहाँ के लोग तो इन पक्षियों को ढूंढकर इनकी मदद भी करते हैं, इन्हें खाने पीने की चीजें देते हैं और न्यूजीलैंड में तो काकापो या बर्ड्स को संरक्षित जीवों में शामिल तक किया गया है। टेमिंग स्टेंगोपान। आपने जरूर इस तरह के अनोखे पक्षियों को नहीं देखा होगा। ये पक्षी आकार में काफी बड़े तो नहीं होते। ये पक्षी सिर्फ हिमालय की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इस प्रजाति के पक्षियों में मादा पक्षी नर के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ये पक्षी प्रमुख तौर पर नीले और लाल कलर के कॉम्बिनेशन में ही होते हैं। उसी के साथ उनके गर्दन पर ये नीले रंग के फर बहुत ही ज्यादा शानदार दिखते हैं। ये अनोखे नीले रंग का फर इन पक्षियों की गर्दन पर होता है और उसी में छोटे छोटे सफेद डॉट्स भी होते हैं, जो कि इसे और भी शानदार बनाता है। उसी के साथ इन पक्षियों के सिर पर दो पर भी होते हैं, जो कि किसी ताज की तरह ही दिखाई देते हैं। ये पक्षी काफी ज्यादा शर्मीले होते हैं। ये फलों के बीज और इंसेक्ट्स को ही खाना पसंद करते हैं। गोल्डन फेसेंट। इसके जैसा खूबसूरत पक्षी पूरी दुनिया में नहीं है। ये पक्षी चाइना के प्लेंगिंग में ही पाए जाते हैं। इस पक्षी के सिर पर सुनहरे ताज जैसे पंख होते हैं, जिसके कारण इसे गोल्डन प्लेसेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी की गर्दन पर नारंगी पट्टियां बनी होती है, जो कि इस पक्षी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। इस पक्षी का पूरा ही शरीर अलग अलग रंगों से सजा हुआ है, जो कि इसे आम पक्षियों से अलग बनाता है। किंग वल्चर। दोस्तों, वल्चर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसे जीव का ख्याल आता है जो कि मरे हुए जानवरों के सड़े गले मांस को खाता है, जो कि किसी भी एंगल से किसी को भी प्यारा नहीं लगता। लेकिन जिस वल्चर की हम बात कर रहे हैं, वो साधारण वल्चर से बहुत अलग। ये दुर्लभ प्रजाति के वल्चर सिर्फ अमेरिका के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। ये सुनहरे सफेद रंग के होते हैं और तो और इनकी पूंछ का रंग भी ग्रे होता है। लेकिन इनके शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा इनका सिर होता है, जो कि कई रंगों से सजा हुआ होता है, जो कि इस किंग वल्चर को बाकी वल्चर से काफी अलग और अनोखा बनाता है। आपको इन सभी पक्षियों में से कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।